हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंक सिटी ऑल इन वन चैनल। मैं ज्योति। आपको याद होगा फ्रेंड्स, हमने इस टब में गाजर और हरी प्याज लगाई थी, तो उसके अपडेट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। जो हमने गाजर की सीडलिंग की थी, सीड से उगाया था, इस तरफ में मैंने गाजर डाली थी और इस तरफ में मैंने प्याज डाला, प्याज के बीज सीड डाले थे। तो ये देखिए, ये सारे सीड जर्मिनेट हो गए हैं और इनकी हाइट भी इतनी इतनी हो गई है। यहाँ पर ये इस तरफ गाजर है, ये सारा हमारा गाजर है। गाजर में देखिए आप, गजरा भी निकलने लग गया है, गाजर की पत्तियाँ भी आने लग गई हैं। गाजर और हरी प्याज इस साइड में हमने सारे में हरी प्याज उगाई थी और इस साइड में हमने गाजर उगाई थी। मैंने कहा था कि जब ये इसके अपडेट मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये देखिए, बीच में मेरा टमाटर लगा हुआ ही है और ये गाजर, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि इस टब में गाजर मैं लगा रही हूँ, तो मेरी फैमिली तो वैसे भी बड़ी है, तो मुझे तो इतनी सी गाजरों से क्या होगा, लेकिन इसका गजरा काम आ जाएगा। और एक शौक के तौर पे कि गाजर कैसे उगाई जाती है और कैसे लगती है, वो मैं आपको दिखा सकूं। और ये जो बिल्कुल पास पास में जो गाजर है, जिसके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, उनको मैं निकाल दूंगी, क्योंकि वो क्या है, वो अगर बहुत इनके जो रूट्स हैं बहुत पास होंगी तो वो गाजर बन नहीं पाएगी। गाजर को बनने के लिए भी, गाजर की रूट्स को डेवलप होने के लिए जगह चाहिए, एक एक इंच की, दो दो इंच की चाहिए आपस में। तो इनकी जो पास पास में पत्तियां हैं, ये रूट्स हैं, मैं इनको निकाल दूंगी और इनका गजरा बड़ा बड़ा हो जाएगा, जब हम खाने के काम ले सकते हैं। इधर हरी प्याज है, ये हरी प्याज दिख रही है आपको, हरी प्याज भी के पत्ते भी खाने के लिए बहुत, सब्जियों में डाले बहुत अच्छी स्मेल होती है, चटनी भी बना सकते हैं। गाजर हम कढ़ी में डाल, गाजर के जो पत्ते होते हैं उनमें, आप ये सोचिए कि जब गाजर में इतना विटामिन होता है तो गाजर के पत्तों में कितना विटामिन होगा, क्योंकि कोई भी, जैसे मूली होती है, मूली में जितने न्यूट्रिशंस होते हैं उससे ज़्यादा उसके पत्तों में होते हैं। तो इसी तरह से गाजर में जितने होते हैं, गाजर से ज़्यादा उसके पत्ते में होते हैं। उसके पत्तों को गजरा बोलते हैं हम, तो आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं। मुझे तो वो सब्जियों में यूज़ करना बहुत पसंद है, दाल में, पालक में, उसके परांठे बनाना, ये सब, और हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये हमारा पालक है जो मैंने आपको दिखाया ही था, ये देखिए इसकी लीव्स काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा गाजर और प्याज का अपडेट्स। तो जैसे और बड़ी होंगी मैं आपको दिखाऊँगी, आपको मैं पास से दिखाती हूँ एकदम, ये देखिए। और इनमें हमें जो पानी हमें इसमें कैसे डालना है, ये मैंने बॉटल है, इसमें छेद हैं, मैं इसमें इस तरह से पानी डालती हूँ, क्योंकि ये पालक हुआ, मेथी हुई, गाजर हुई, ये जो अभी बहुत छोटे छोटे, इनके रूट्स बहुत छोटे हैं, इनकी तने पतले, बहुत बारीक बारीक प्लांट हैं ये, तो इनमें क्या है, हम पानी मतलब प्रेशर से देंगे, जैसे डिब्बे वगैरह से देंगे, तो हम उससे क्या होता है, ये पौधे गिर जाते हैं एक साइड में, हाँ, इनकी शेप जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो इसलिए हमेशा शॉवर से इनको पानी देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट्स हैं ही आपके सामने, तो आप भी गाजर उगाइए घर में, प्याज उगाइए और सर्दियों में खाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।